हाय गाइस, मैं आज बनाने वाली हूँ दही बड़ा की रेसिपी। मैंने एक कटोरी उड़द दाल लिया है और आधी कटोरी मूंग दाल लिया है। ओवरनाइट मैंने दोनों दालों को सोक कर लिया है। मैंने दोनों दालों को मिक्स करके पीस लिया है। ये देखिए हमारा किस तरह से इसका कंसिस्टेंसी है। अब मैं इसे बर्तन में निकाल ली हूँ और इसे अच्छे तरह से फेंटेंगे ताकि हमारा दाल फ्लफी हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमें फेंटना है। इसे जितना फेंटेंगे हल्का होगा हमारा वड़ा, उतना ही सॉफ्ट अच्छा बनेगा। ये देखिए हमारा दाल पानी में डालने के बाद ऊपर आ जाएगा। इससे हम समझ में आता है कि हमारा दाल फिटा चुका है। अब मैं इसमें अदरक और हरी मिर्च बारीक कटिंग करके डाल दूंगी। काला नमक और सफ़ेद नमक हाफ हाफ टेबल स्पून डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसे फ्राई करने जा रही हूँ। हमारा तेल गर्म हो चुका है। वड़ा डालते वक्त हमारे गैस का फ्लेम हाई रहेगा और पूरा डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर फ्लेम को मीडियम में कर लीजिएगा ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाए। अब हम इसे पलटेंगे, दूसरी साइड भी अच्छे से पका लेंगे, ऐसे ही गोल्डन कलर आ जाए। ये देख के हमारा वड़ा कितना अच्छा फूला फूला सा हुआ है। ये देखिए हमारा वड़ा बन के तैयार हो चुका है। कितना सॉफ्ट हुआ है और हल्का। अब देखिए हमारे वड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इसे एक बॉल में पानी लेकर उसमें काला नमक डाल दूंगी और सारे वड़े को उसमें सोक कर दूंगी। हाफ टेबल स्पून सॉल्ट डाल दूँगी, ब्लैक सॉल्ट, और वड़े को उसमें डाल दूंगी। कुछ देर के लिए इसे 10 से 15 मिनट के लिए सोक करने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए हमारा दही बड़ा पूरा पानी को सोख लिया है। अब मैं इसे एक्सेस पानी निकाल कर दबा कर निकाल दूंगी प्लेट में। देखिए हमारा दही बड़ा। अब मैं इसमें दही डालूंगी। दही बड़े में दही बहुत अच्छे से डाल, और इमली की चटनी फिर डाल रहे हैं। चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने के बाद मैंने घर पे धनिया और ज़ीरा और लाल मिर्च का भूनकर पाउडर बनाया था, जो मैं उसमें डाल रही हूँ। बेदाना डाल रही हूँ, अनारदाना, सेव। ये देखिए हमारा दही वड़ा तैयार हो चुका है। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।